तब यहूदा सैनिकों के एक दल को और प्रधान याजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए हुए आया। यीशु वो सब जानता था जो उसके साथ होने वाला था, तो वो आगे बढ़ा और उनसे पूछा, वो कौन है जिसे तुम ढूंढते हो? यीशु नासरी को। यहूदा जो पकड़वाने वाला था उनके साथ था जब यीशु ने उससे कहा, वो मैं हूं, तो वो पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। यीशु ने फिर उनसे पूछा, तुम किसको ढूंढ रहे हो? यीशु नासरी को। मैं तो तुमसे कह चुका हूं कि मैं हूं। यदि मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। ये इसलिए पूरा हुआ कि वो वचन पूरा हो जो उसने कहा था, जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने एक को भी नहीं खोया। तब शमौन पतरस ने तलवार जो उसके पास थी खींची और उससे महायाजक के दास का कान उड़ा दिया। उस दास का नाम था मलखुस। अपनी तलवार म्यान में रखो। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है क्या मैं उससे ना पीऊं? तब सैनिकों और उनके सूबेदारों और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया। और पहले उसे हन्ना के पास ले गए, क्योंकि वो उस वर्ष के महायाजक कैफा का ससुर था। ये वही कैफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी थी कि हमारे लोगों के लिए एक पुरुष का मरना अच्छा है। शमौन पतरस और एक दूसरा चेला यीशु के पीछे हो लिए। ये चेला महायाजक का जाना पहचाना था, इसलिए वो यीशु के साथ महायाजक के आंगन में गया, परंतु पतरस बाहर द्वार पर खड़ा रहा। तब वो दूसरा चेला जो महायाजक का जाना पहचाना था बाहर निकला और द्वारपालक से कहकर पतरस को भीतर ले आया। कहीं तू भी इस व्यक्ति के चेलों में से तो नहीं है? नहीं, मैं नहीं हूं। दास और प्यादे जाड़े के कारण कोयले धधकाकर खड़े आग ताप रहे थे, और पतरस भी वहां जाकर उनके साथ आग तापने लगा। तब महायाजक ने यीशु से उसके चेलों के विषय में और उसके उपदेश के विषय में पूछताछ की। तब यीशु ने उत्तर दिया, मैंने संसार से खुलकर बातें की हैं। मेरे सारे उपदेश आराधनालयों और मंदिरों में किए, जहां सारे लोग इकट्ठा हुआ करते थे। मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं की है। तो फिर तू मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से तू पूछताछ कर, उनसे पूछ मैंने क्या कहा। वे जानते हैं जो मैंने कहा है। क्या तू इस प्रकार महायाजक को उत्तर देगा? यदि मैंने कुछ बुरा कहा है तो सबको बता दो मैंने क्या कहा, परंतु यदि मैंने सही कहा तो मुझे क्यों मारते हो? तब हन्ना ने उसे बंधे हुए कैफा महायाजक के पास भेज दिया। तब तक शमौन पतरस आग ताप रहा था। तब लोगों ने उससे पूछा, कहीं तू भी उसके चेलों में से तो नहीं है? नहीं, मैं नहीं हूं, पतरस ने इनकार किया। महायाजक का एक दास जो उसके कुटुंब से था, जिसका कान पतरस ने काट डाला था, बोल उठा, क्या मैंने तुझे उसके साथ बारी में नहीं देखा था? नहीं। और तुरंत मुर्गे ने बांग दी।
जब भोर का समय था, यीशु को कैफा के पास से गवर्नर के किले मिले गए। यहूदी किले के भीतर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वे अपने आप को शुद्ध बनाए रखना चाहते थे ताकि फसह का भोजन खा सकें। तब पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस व्यक्ति पर क्या आरोप लगाते हो? यदि उसने अपराध नहीं किया होता तो हम उसे तेरे पास नहीं लाते। तुम ही इसे ले जाकर अपनी व्यवस्था के अनुसार उसका न्याय करो। हमें अधिकार नहीं कि किसी का प्राण लें। ये इसलिए हुआ कि यीशु की वो बात पूरी हो जो उसने ये संकेत देते हुए कही थी कि उसकी मृत्यु कैसी होगी। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाया। क्या तू यहूदियों का राजा है? क्या यह प्रश्न तेरी ओर से है या किसी दूसरे ने मेरे विषय में तुझसे कहा? तू क्या सोचता है मैं यहूदी हूं? तेरी ही जाति और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है। तूने क्या किया है? मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, परंतु मेरा राज्य यहां का नहीं है। तो क्या तू राजा है? तू कहता है कि मैं राजा हूं। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है मेरी सुनता है। और सत्य क्या है? फिर पिलातुस यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें दंड देने योग्य कोई दोष नहीं पाता, पर तुम्हारी ये रीति है कि मैं फसह में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को छोड़ दूं। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, बरअब्बा को छोड़ दो। बरअब्बा एक डाकू था। इस पर पिलातुस ने यीशु को कोड़े लगवाए। सिपाहियों ने कांटों का मुकुट गूंथकर उसके सिर पर रखा और उसे बैंगनी वस्त्र पहनाया और उसके पास आकर कहने लगे, हे यहूदियों के राजा, युग युग जी, और उसे थप्पड़ भी मारे। तब पिलातुस ने बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो, मैं उसे फिर बाहर लाता हूं ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। देखो, ये रहा वो व्यक्ति। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंगनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला। उसे क्रूस पर चढ़ाओ। चढ़ाओ उसे क्रूस पर। उसे क्रूस पर चढ़ाओ। तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता।
हमारी व्यवस्था है जिसके अनुसार उसे मरना है, क्योंकि उसने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बनाया। जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो और भी डर गया। और फिर किले के भीतर जाकर यीशु से पूछा, तू कहां से आया है? परंतु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर नहीं दिया। मुझसे क्यों नहीं बोलता? याद रख, मेरे पास तुझे छोड़ देने का या फिर तुझे क्रूस पर चढ़ाने का अधिकार है। तेरे पास मुझ पर अधिकार केवल इसीलिए है कि ये तुझे ऊपर से मिला है। इसलिए जिसने मुझे तेरे हाथ पकड़वाया उसका पाप तो इससे भी बुरा है। जब पिलातुस ने यह सुना तो उसने यीशु को छोड़ देने का मार्ग खोजा। यदि तू इसको छोड़ देगा तो तेरी भक्ति कैसर की ओर नहीं। जो कोई अपने आप को राजा बनाता है वो कैसर का सामना करता है। ये बातें सुनकर पिलातुस यीशु को बाहर लाया और उस जगह एक चबूतरा था जो इब्रानी में गबत्ता कहलाता है, और वहां न्याय आसन पर बैठा। फसह से एक दिन पहले दोपहर थी। पिलातुस ने यहूदियों से कहा, ये रहा तुम्हारा राजा, मार डालो, मार डालो, मार डालो। क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? कैसर को छोड़ हमारा और कोई राजा नहीं। तब पिलातुस ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने उन्हें सौंप दिया। तब वे यीशु को ले गए। वो अपना क्रूस उठाकर बाहर निकला और खोपड़ी का स्थान कहलाने वाले स्थान पर आया, जो इब्रानी में गुलगुता है। वहां उसे क्रूस पर चढ़ाया और साथ में दो और व्यक्तियों को, एक को इधर एक को उधर, और उनके बीच यीशु को। पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया।
यीशु नासरी यहूदियों का राजा। कई लोगों ने उसे पढ़ा क्योंकि वो स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था, और पत्र इब्रानी और लातीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। तब प्रधान याजकों ने पिलातुस से कहा, यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु ये कि उसने कहा मैं यहूदियों का राजा हूं। मैंने जो लिख दिया वो लिख दिया। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर चार भाग किए, हर सैनिक के लिए एक भाग, और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सियन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसीलिए सिपाहियों ने आपस में कहा, हम इसको न फाड़ें, परंतु इस पर चिट्ठी डालें कि ये किसका होगा। ये इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया है वो पूरा हो, उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। तो सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपास की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता और अपने प्रिय चेले को वहां खड़ा देखा। ये तेरा पुत्र है। फिर उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उस समय से वो चेला मरियम को अपने घर ले गया। इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि सब कुछ पूरा हो गया है और इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो है वो पूरा हो, ये कहा, मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन सा था। उन्होंने सिरके से भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। यीशु ने सिरका पिया। पूरा हुआ। और अपना सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। यहूदियों ने पिलातुस से विनती की कि उनकी टांगे तोड़ दी जाएं, जिन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया था, और उनको क्रूस पर से उतारा जाए। उन्होंने ये विनती इसलिए की क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि सप्त के दिन यानी शुक्रवार के उस दिन उन्हें क्रूस पर लटकाए रखें, क्योंकि सप्त का वो दिन बड़ा दिन था। तो सैनिकों ने आकर उन व्यक्तियों में से पहले की टांगे तोड़ी, तब दूसरे की भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे। परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वो पहले से मर चुका है, तो उसकी टांगे न तोड़ी। परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा। और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। जिसने ये देखा उसने गवाही दी है, ताकि तुम भी विश्वास करो। उसकी गवाही सच्ची है और वो जानता है कि वो सच कहता है। ये इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया पूरा हो, उसकी कोई हड्डी न तोड़ी जाएगी। फिर एक और स्थान पर लिखा है, जिसे उन्होंने भेदा है
उस पर वे दृष्टि करेंगे। इन बातों के बाद अरिमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से ये बात को छिपाए रखता था, पिलातूस से यीशु का शव ले जाने की विनती की। पिलातूस ने उसकी विनती सुनी तो यूसुफ आकर शव ले गया। निकुदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। तब दोनों ने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। इसलिए यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वो कब्र निकट थी। रविवार की सुबह मरियम मगदलीनी भोर के अंधेरे में कब्र पर आई और पत्थर को कब्र के मुंह पर से हटा हुआ देखा। तब वो दौड़कर शमोन पत्रस और दूसरे चेले के पास, जो यीशु का प्रिय था, आई। वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उन्हें कहां ले गए हैं। तब पत्रस और वो दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वो दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पत्रस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी वो भीतर न गया। तब शमोन पत्रस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया। और कपड़े पड़े देखे और वो अंगोछा जो यीशु के सिर से बंधा हुआ था, कपड़ों के साथ नहीं परंतु अलग से लिपटा पड़ा था। तब दूसरा चेला भी, जो कब्र पर पहले पहुंचा था, भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की बात न समझे थे कि यीशु मरे हुओं में से जी उठेगा। तब वे चेले अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर उसने 2 स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठा देखा, जहां यीशु का शव रखा गया था। हे नारी, तो क्यों रोती है? उन्होंने उससे पूछा। वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती उसे कहां रखा है। ये कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़ा देखा, पर न पहचाना कि ये यीशु है। हे नारी, तू क्यों रोती है और तू किसको ढूंढती है? उसने यीशु को माली समझा तो उसको उत्तर दिया, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहां रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। मरियम, मरियम ने पीछे मुड़कर इब्रानी में कहा, रब्बोनी, जिसका अर्थ गुरु है, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास जा रहा हूं। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया कि उसने प्रभु को देखा है और यीशु ने उससे क्या बातें की। रविवार का दिन था, संध्या के समय चेले यहूदियों के डर से द्वार बंद करके बैठे थे। तब यीशु आया और उनके बीच खड़ा हो गया। तुम्हें शांति मिले, और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपने पंजर उन्हें दिखाए।
तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूं। ये कहकर उसने उन पर फूंका पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। परंतु बारहों में से एक अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेलों ने उसे बताया, हमने प्रभु को देखा है, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और उनमें उंगली न डालूं और पंजर में हाथ न डालूं, विश्वास न करूंगा। सात दिन बाद चेले फिर से घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था। द्वार बंद थे, तब यीशु आकर उनके बीच खड़ा हो गया। तुम्हें शांति मिले, अपनी उंगली यहां डाल, मेरे हाथों को देख। अपना हाथ बढ़ाकर मेरे पंजर में डाल। और अविश्वासी नहीं, विश्वासी बन। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। मुझे देखा इसीलिए विश्वास किया है। धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यीशु ने और भी बहुत से चमत्कार चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया, शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनियल, और जब्दी के पुत्र, और उसके चेलों में से दो और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूं। हम भी तेरे साथ चलते हैं, चेलों ने उससे कहा। तो वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात उन्होंने कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि ये यीशु है। हे जवानों, क्या तुमने कुछ नहीं पकड़ा है? कुछ भी नहीं। नाव की दाहिनी ओर जाल डालोगे तो कुछ पकड़ पाओगे। तब उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। वो चेला जो यीशु का प्रिय था, उसने पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वो प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि उसने अपने कपड़े उतारे थे, और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए,
क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं पर कोई 200 हाथ पर थे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। जो मछलियां अभी तुमने पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। तो शमोन पत्रस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा और इतनी मछलियां होने पर भी जाल न फटा। आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि ये प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी और वैसे ही मछली भी। ये तीसरी बार है कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। भोजन खाने के बाद यीशु ने शमौन पत्रस से कहा, शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? हां प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। मेरे मेमनों को चरा। यीशु ने दूसरी बार उससे कहा, शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? हां प्रभु, तू जानता है मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। मेरी भेड़ों की रखवाली कर। तीसरी बार यीशु ने कहा, शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पत्रस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? तो पत्रस ने कहा, हे प्रभु, तू सब कुछ जानता है, मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। मेरी भेड़ों को चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरे तेरी कमर बांधकर जहां तू न चाहेगा वहां तुझे ले जाएंगे। यीशु ने इन बातों से संकेत दिया कि पत्रस कैसी मृत्यु से परमेश्वर की महिमा करेगा। तब यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। पत्रस ने मुड़कर उस चेले को पीछे आते देखा जिससे यीशु प्रीति रखता था, जिसने भोजन के समय यीशु की छाती की ओर झुककर पूछा था, हे प्रभु, तेरा पकड़वाने वाला कौन है? उसे देखकर पत्रस ने पूछा, हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। इसलिए भाइयों में ये बात फैल गई कि वो चेला न मरेगा। तो भी यीशु ने उससे ये नहीं कहा कि वो न मरेगा, परंतु ये कि यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या। यही वो चेला है जो इन बातों की गवाही देता है और जिसने इन बातों को लिखा है, और हम जानते हैं कि उसकी गवाही सच्ची है। और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए, यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूं कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी न समाती। यूहन्ना रचित सुसमाचार लिखने का अभिप्राय था कि हम जानें कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। अब इन घटनाओं के लिखे जाने द्वारा यूहन्ना हमें यीशु में विश्वास करने के लिए प्रेरित कर रहा है, जिसने क्रूस पर अपनी जान देने के द्वारा हमारे पापों की कीमत चुकाई। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है।
और अनंत जीवन ये है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। अब इसके दो अर्थ हैं। हमें ये स्वीकार करना है कि हमने पवित्र परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है और हमारे जीवन में बुराइयां हैं, चाहे वे कितनी छोटी ही क्यों न दिखें। हमें इस बात पर पूरा भरोसा रखना है कि क्रूस पर अपनी मृत्यु के द्वारा यीशु ने हमारे पापों का सारा दंड चुका दिया है, अर्थात जो मृत्यु हमारे लिए नियुक्त थी। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर तुरंत मुफ्त में हमें अनंत जीवन दे देता है। अब जब प्रेरित थोमा का सामना इस सत्य से हुआ, वो इतना ही कह पाया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। अभी के अभी यदि आपकी इच्छा है तो आप ये अंगीकार करके परमेश्वर के संग शांति बना सकते हो। मैं अंगीकार करता हूं कि मैंने परिपूर्ण परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। मैं अंगीकार करता हूं क्रूस पर यीशु की मृत्यु ने मेरे सारे पापों का दंड चुका दिया है, एवं मेरे पापों की कीमत यीशु द्वारा चुकाने से मैं अनंत जीवन पाने तथा परमेश्वर के आगे धर्मी ठहरने का अधिकारी ठहरता हूं। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर।